कई बार देखा गया है कि यहाँ के स्थानीय जो सांसद है छेदी पासवान, उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया मुख्यमंत्री को कि जो मुख्यालय है वो सासाराम में है रोहतास का, और लोग डेहरी में पुलिस कप्तान से मिलने के लिए जाते हैं, अब यहाँ रहना होगा। हर सप्ताह में एक बार बुधवार को जनता दरबार लगेगी, जनता अपनी समस्या को लेकर आएगी और पुलिस कप्तान से सीधे मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर सेवन और मैं हूं सुधांशु। अब भी मौजूद हैं हम सासाराम के कलेक्ट्रिएट परिसर में, और मैं आपको बता दूं कि रोहतास के जो नए एसपी हैं विनीत कुमार, वो 4 तारीख को अपना योगदान यहां पे पुलिस कप्तान के रूप में दिए हैं, और जब से वो नए जो रोहतास को एसपी मिले हैं विनीत कुमार, वो जब से योगदान दिए हैं कड़े फैसले पे काफ़ी उनका ध्यान है और सूझबूझ के साथ ही वो फैसला ले रहे हैं। चूँकि सासाराम एसपी महोदय का कार्यालय डेहरी में हो जाता है और रोहतास ज़िले का जो मुख्यालय है वो सासाराम में है, तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी, अपनी समस्या को लेकर डेहरी जाना पड़ता था, और जाने में एक चीज़ और सामने आ जाती थी कि लोग समय निकाल कर जाते थे, समय भी लगता था, और वहाँ जाने पे पता चलता था कि महोदय एसपी महोदय नहीं है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी इस चीज़ को लेकर कि जब वो जाते थे तो मिल नहीं पाते थे। तो इसी बीच रोहतास एसपी ने एक नया फैसला किया है कि प्रत्येक बुधवार को वो सासाराम मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के दूसरे तल्ले पे जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है वहाँ उनका जनता दरबार लगेगा, लोग अपनी समस्या अपनी फरियाद को लेकर पुलिस कप्तान रोहतास से मिल सकते हैं, सुना सकते हैं, और उस पर सीधा उनका लोगों से इंटरेक्ट होने का एक माध्यम भी बनेगा। लोग बुधवार को एसपी महोदय से सासाराम मुख्यालय में मिल सकेंगे हर बुधवार को। तो जब से एसपी आए हैं वो सूझबूझ के साथ कड़े फैसले ले रहे हैं, लोगों के हित में फैसले ले रहे हैं। कई बार देखा गया है कि यहाँ के स्थानीय जो सांसद है छेदी पासवान, उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया मुख्यमंत्री को कि जो मुख्यालय है वो सासाराम में है रोहतास का, और लोग डेहरी में पुलिस कप्तान से मिलने के लिए जाते हैं, वो मिल भी नहीं पाते हैं, समस्याएं आती थी। तो इसी बीच इन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है कि उनको अब यहाँ रहना होगा, हर सप्ताह में एक बार बुधवार को जनता दरबार लगेगी, जनता अपनी समस्या को लेकर आएगी और पुलिस कप्तान से सीधे मिलेगी। तो रोहतास जिला में ऐसे भी अब तो ये नगर निगम बन चुका है, समस्याएँ भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो इस प्रकार से पुलिस कप्तान ने डेहरी और सासाराम के बीच अपना जो समय है वो बांट दिया है। एक दिन वो जनता दरबार सासाराम में भी लगाएंगे और लोगों से मिल पाएंगे। तो हम हर खबर के साथ आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारी खबर के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब